एटा अलीगंज में अवैध शस्त्र बरामदगी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना अलीगंज पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त अवैध असलाह कारतूस सहित हुआ गिरफ्तार। एटा से वैभव वाजने की रिपोर्ट। समर में उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने स्थायी रैन बसेरी का किया निरीक्षण। एंट्री रजिस्टर में खामियां मिलने पर दिए सख्त दिशा निर्देश। संभल से उवैश दानिश की रिपोर्ट। झांसी नगर पंचायत मौरानीपुर में सर्दी के मौसम को देखते हुए सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों की गई व्यवस्थाएं। झांसी से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर 127 डिवीजन वेंकट राम रेड्डी नगर में कॉलोनी प्रेसिडेंट के लिए रखा गया इलेक्शन। 5 कैंडिडेट्स ने किया नामांकन पत्र दाखिल। तेलंगाना से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। बिहार के वजीरगंज में युवा समाज सेवी राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव द्वारा 1000 लोगों के बीच किया गया कंबलों का वितरण। बिहार से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आगरा के डॉकी में घरेलू विवादों के चलते पिता और बेटी ने लगाई फांसी। दूसरे बेटे ने भी की जान देने की कोशिश। ग्रामीणों ने बचाई जान। आगरा से राजा गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करने में पुलिस हुई नाकाम। चोरों ने दुकान से हजारों का सामान किया पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। हमीरपुर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज़ और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।